प्यारी बहन है। अच्छा आप सबको मिलाना भूल गई, ये मेरी जान है। शक्ल मिल रही है हमारी, ये थोड़ी काली है मगर मैं गोरी हूँ। हे गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एमआरपी व्लॉग विद बबीता। तो आज जैसे कि आपने देखा हमारे पिछले व्लॉग में, हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए हौसखास गए थे, तो सेम डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए हम आज दिल्ली में जा रहे हैं, वसंत कुंज में। तो आइए चलते हैं, आज देखते हैं वसंत कुंज में हमें क्या क्या मिलता है और हम कैसे कैसे शूट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए हैं, सीट बेल्ट हमने लगा ली है, ट्रैफिक अभी है नहीं, हमें वहाँ पहुँचना है 10 बजे, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और यहाँ से जो वहाँ का डिस्टेंस है वो है 18 किलोमीटर। तो क्या हम पहुँच पाएंगे 1 घंटे में 18 किलोमीटर, देखते हैं। पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेने के लिए बोला है कि वो बच्चों के बारे में बता पाए, क्या प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं, सब चीजें। तो एक पेरेंटल व्यू पॉइंट से भी हमें कंटेंट मिल जाएगा, बाकी कुछ टीचर्स अलाइन कर रखे हैं। मेन है कि बच्चे टीचर्स के साथ मिलेंगे तो हमारा कंटेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे लोकेशन चेंज होती है तो हो सकता है हमें पिछले बार में जो लोकेशन पे नहीं मिला तो हो सकता है आगे मिल जाए। अभी तो हमने बहुत सारे स्टेट्स भी कवर करने हैं, शुरू कर रहे हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकता है, नहीं तो फिर यूपी ट्राई करेंगे, नहीं तो तमिलनाडु, और वहाँ तो बात हो ही रखी है कि वहाँ हमें बच्चे और ये सारी फैसिलिटी चाहिए शूट के लिए। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो दोस्तों सारे फ्रेंड्स वहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब टीम मेंबर्स, टीम मेंबर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर हम काम करते हैं साथ में तो फ्रेंड्स ही हैं। तो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वो लोग पहुंच गए हैं और हम अभी भी 110 मीटर दूर है उनसे, और यहाँ पे बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ था। कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है? तो इसलिए हम लेट हो गए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। तो शाविश भाई और अरुण धत्ती और निवेदिता हमें लोकेशन में मिलेंगी, तो चलो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, हमें शाविश भाई भी मिल गए हैं। हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं और ये काम शुरू हो गया है। सब ने अपने अपने मास्क वेयर कर लिए हैं क्योंकि आजकल कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मास्क वेयर करना बहुत कंपलसरी है।
कर कर के हम थक गए हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे भाग के। तो अभी यहाँ पर और इंटरव्यू होने वाला है, चेक कर रहे हैं कि कौन सा बैकग्राउंड अच्छा होगा और कहाँ पे हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। आ गए हमारे टीम, यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं कैमरा कहाँ पे सेट होगा। तो फाइनली अब हमने अपना शूट ख़त्म कर लिया है और ये रहे हमारे शाविर भाई। कैसा रहा शूट भाई? बढ़िया। तो शूट अच्छा रहा और हमें यहाँ से काफ़ी कुछ मिला है कंटेंट। आपने मुझे कहा था 12 बजे, तो फ्रेंड्स 12 बजे मैं आ जाऊँगी। अच्छा मैं 12 बजे आई नहीं, इतना मेरे को 2 घंटे बिठा के रखती यहाँ पे, एक घंटा पूरा। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? देखो ऐसे मारती है बहन ब्लॉगर को, शर्म नहीं है इसको। मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि 12 बजे आना, हम सरोज नगर चलेंगे शूट पॉइंट अप होने के बाद। अरे आई 1 बजे। अच्छा मैं 12 बजे नहीं, अब मैं क्या करूं जब मैं इतनी बिजी हूं, मैं क्या करूं? ठीक है होता है कभी कभी, मेरी प्यारी बहन है। अच्छा आप सबको मिलाना भूल गई, मेरी बहन है, मेरी जान है। शक्ल मिल रही है हमारी, ये थोड़ी काली है मगर मैं गोरी हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? तो शावेश भाई घर के लिए निकल रहे हैं, बाय। और हम निकल रहे हैं सरोजनी नगर के लिए। ये वाली वीडियो तो मैं आपको एक अलग से व्लॉग करके सरोजनी नगर का अलग से दिखाऊंगी, जो कि मैं अभी कंटिन्यू करने वाली हूँ, बट वो व्लॉग में दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी। क्योंकि अगर मैं इसी व्लॉग में कंटिन्यू करूंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसको मैं आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी। और मस्ती जारी है क्योंकि अब हम सरोजनी नगर जाने वाले हैं, शॉपिंग करने वाले हैं और हम जा रहे हैं हमारे सिस्टर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।